ये कहानी शुरू होती है मियां और निकोनम की एक कपल से, जहां हम देखते हैं ये दोनों अपने देश से इलीगली भाग रहे थे। असल में ये दोनों जिस देश में रह रहे थे वो देश स्पर्श की देशों से लड़ाई कर रहा था, जिसके वजह से देश में धीरे धीरे खाने का कमी होने लग रही थी। इसलिए सरकार ने बूढ़े बच्चों औरतों को मारना शुरू कर दिया था ताकि खाने का कमी खत्म हो जाए। इसी वजह से मियां और निको ने अपने बच्चे को खो दिया था। अब अपनी जान बचाने के लिए उस देश से भाग के आयरलैंड की तरफ जा रहे थे। कुछ देर बाद हम देखते हैं असल में ये सभी कंटेनर शिप से आयरलैंड जाने वाला है, जहां हम देखते हैं कंटेनर में मियां और निको के अलावा और बहुत सारे लोग थे। सब ये देश छोड़ के भाग रहे थे। और तब हमें पता चलता है मियां तो 9 महीने का प्रेग्नेंट है, आने वाले कुछ दिन में एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं। कुछ देर बाद ट्रक से होता हुआ पोर्ट पे पहुंच जाता है, जहां उस कंटेनर का दरवाजा एकदम से खोल दिया जाता है। खुलते ही उस कंटेनर में बहुत सारे लोग घुसने का कोशिश करते हैं। इसी भीड़ में मियां और निको खो जाते हैं। इसके बाद निको को मजबूरन दूसरी कंटेनर में जाना पड़ता है। अब इस घटना के बाद मियां बहुत डर जाता है। मियां निको को कॉल करता है, जहां निको उसको हौसला देता है वो हिम्मत ना हारे, एक बार शिप पर पहुंचते ही उसके पास चला आएगा। निको से बात करके शांत होता है। इसके कुछ समय बाद मियां का कंटेनर उस पोर्ट पे पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले चेक पॉइंट से गुजरना था। पुलिस कंटेनर के तलाशी लेने वाला था। जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर उस कंटेनर को खोल के देखता है, वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है। कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट कमरा था जहाँ वो सारे लोग छुपे हुए थे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी बहुत चालाक था और उसे पता था सीक्रेट रूम में छुपे हुए थे, लिए उन लोग को खुद से बाहर निकलने का धमकी देता है, नहीं तो उन्हें गोली मारने वाला था। तभी एक लड़की डर के मारे बाहर आ जाती है। रूम से बाहर आती वहाँ पे दो बड़े बड़े बॉक्स के ऊपर चढ़ चुकी थी ताकि नीचे खड़े लोग उसको देख ना पाए, लेकिन वो पुलिस वालों ने सबको एक एक करके गोलियों से मार देते हैं। उसके बाद वो पुलिस वालों ने वो सबका लाशें वो उस कंटेनर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन मियां वो दो बॉक्स के ऊपर सुरक्षित थी। अब भी मियां उस कंटेनर में अकेली थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। कुछ देर बाद मियां का कंटेनर को शिप पर लोड कर देते हैं। मियां का शिप निकल पड़ती है। मियां उस कंटेनर में बैठी बैठी अपने कुछ सामान को चेक करती है, जहां कुछ सामान मिलता है। अब रात होने के बाद मियां को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अभी आधी रात में मियां का नींद टूट जाता है क्योंकि उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था, एक छेद से बाहर देख रहा था। उसे पता चलता है अंदर का शिप समुन्दर में एक तूफान में फंसा हुआ था, लेकिन ये तूफान देखते देखते बड़ा होता जा रहा था। आखिर में वही होता है जिसका डर था, पूरा शिप ही पलट जाता है, जिसके वजह से शिप पे रखे हुए कंटेनर पानी में गिरता है। जैसे ही मियां का कंटेनर पानी में गिरता है, उसे एक जोर से झटका लगता है, उसकी वजह से उसकी सर पे चोट लगता है और वही बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद मियां का आँख खुलती है, तब वो दिखती है उस कंटेनर का सभी बॉक्स इधर उधर पड़ा रहता है। उसके बाद मियां उस कंटेनर का छेद से बाहर दिखती है, चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी दिखता है। ये सब देखकर मियां और ज़्यादा डर जाती है और अपना फ़ोन निकालकर अपना पति को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन बुरी तरह से टूट गया था। इतने में मियां की नज़र कंटेनर के नीचे वाली हिस्से में पड़ती है, जहां उसे दो छेद दिखाई देते हैं। छेद से लगातार पानी अंदर आ रहा था। अगर जल्दी ही मियां कुछ नहीं करता है तो उसका कंटेनर पानी में डूब जाएगा, इसलिए मियां वहां का सभी बॉक्स को खोलता है। किसी किसी में प्लास्टिक बॉक्स था, किसी में कपड़े थे। अभी मियां को एक टेप मिलती है, टेप से वो छेद को बंद कर देती है। कुछ देर बाद मियां को बाहर से चिल्लाते हुए सुनाई देती है। जैसे ही मियां बाहर दिखती है, तब उसको मालूम पड़ता है ये वही कंटेनर है मैं निको चला गया था, जहां मियां एक दूसरी फोन से फोन करने का कोशिश करता है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो रहा था। अब
अपनी आंखों के सामने कपाति को मारता हुआ देख मियाँ बहुत टूट जाता है और मियाँ एक बार तो उसके दुख में अपनी जान भी देना चाह रहा था, लेकिन फिर उसका बच्चे का बात समझ के कुछ नहीं करता है। के बाद मियाँ सो जाता है। अब अगली सुबह जब मियाँ का नींद खुलता है, वो देखती है उस कंटेनर में और भी ज़्यादा पानी भर चुका है था। असल में उस टेप का कोई असर नहीं हुआ था, ये उस प्लास्टिक बॉक्स से रबड़ निकल रहा था और उस छेदों में भर देती है। के बाद इसी तरह जुगाड़ करके अंदर का पानी को दूसरी छेद से बाहर फेंक रहा था, तभी दूसरी फोन में अननोन नंबर से फ़ोन आती है और ये कॉल निको का था। यहाँ निको उसको बताती है उस शिप पर था ही नहीं जिस शिप में मियाँ का कंटेनर था। भी निया को बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद मियाँ भी निको को बताती है समुंदर के बीचों बीच एक कंटेनर में फंसा हुआ है। निको का फोन रखते ही पीठ में दर्द होना चालू हो जाता है। इसका मतलब था इसी भी वक्त अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि समुंदर में आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है। उस कंटेनर का माहौल भी बिगड़ना चालू हो जाता है और उस कंटेनर में भी पानी घुस रहा था। इसी बीच मियाँ का बेटी नोहा पैदा होती है। यहाँ किसी तरह अपने बच्चों को संभालती है। के बाद अगले दिन की सुबह होती है जहाँ हम देखते हैं कि नोवा अपना बांध ही नहीं कर रही थी और मियाँ का खाना भी ख़त्म हो रही थी। तभी मियाँ को एक आइडिया आती है, एक ड्रिल मशीन से उस कंटेनर की छत को छेद बना दे कि उस कंटेनर से बाहर निकल सके। उसके बाद मियाँ ने उस ड्रिल मशीन से वहाँ पे छेद करता है, लेकिन कुछ देर बाद मियाँ का ड्रिल मशीन बंद हो जाती है। उसके बाद मियाँ ने एक छोटे चाकू से उस कंटेनर को काटना चालू कर देता है, लेकिन इतने छोटे चाकू से उतना मोटा लोहा काटते काटते मियाँ की हाथों में छाले पड़ते हैं। मियाँ ने उस कंटेनर को काट देती है। मियाँ उस कंटेनर से बाहर आकर बाहर देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो कई दिनों के बाद बाहर देख रही थी। इसके बाद मियाँ उसकी बेटी को वहाँ पे ले आती है। भी समुंदर में मियाँ को कुछ मछली दिखाई देती है। उसके बाद मियाँ उस मछली को पकड़ने का कोशिश करता है। उसके बाद मियाँ को आसमान में एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देती है। ये टीवी का स्क्रीन तोड़कर इनकी तरफ चमका रही थी। मियाँ का पैर उस कंटेनर से कट जाता है। उसके बाद मियाँ को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। खून बंद करने के लिए मियाँ शराब से अपने जख्म को सील देती है, से मियाँ को बहुत ज़्यादा दर्द होती है। उसके बाद मियाँ को एक आइडिया आता है ना, वो एयरफोन केबल से एक जाल बना ले मछलियों को पकड़ने के लिए। मियाँ बिल्कुल ऐसे ही करता है। अब ऐसे करते करते मियाँ इंतजाम कर देती है और पीने का इंतजाम रिस्का पानी को जमा करके कर लेती है। थीनोवा दूध के सहारे आगे बढ़ रही थी। अब ऐसे ही करते करते दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन हर बीते हुए दिन के साथ मियाँ मायूस भी होती जा रही थी। अभी एक रात मियाँ को निको का कॉल आता है, उसे बताती है उसे उसके पास आ रहा था लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और पुलिस से दूर भागते वक्त उसे गोली लग जाती है। निको का इतना ज़्यादा खून बह जाता है वो बच ना पाए। वो आखिर में मियाँ से माफ़ी मांगता है कि वो आखिर में उसको बचाने नहीं आ पाया। ये सुनने के बाद मियाँ बहुत ज़्यादा टूट जाती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे, वो भी अपनी बच्ची के लिए। मियाँ जिंदा भी उसके बच्चे के वजह से ही थी। के बाद अगले दिन की सुबह होती है, उन कंटेनर में उस प्लास्टिक बॉक्स से एक छोटी बोर्ड बना रही थी कि किसी भी बुरी हालात में उसकी बेटी को बचा सकती है। रात में अचानक कंटेनर में पानी भरना चालू हो जाता है। उसके बाद मियाँ कंटेनर का सभी जरूरी सामान को लेने उस कंटेनर में आ जाती है। उसका पैर उस कंटेनर में फंस जाता है। उसके बाद वो कंटेनर भी समुंदर में डूब जाता है। उसके कुछ देर बाद ही उधर
नोवा समुंदर की लहरों की वजह से उस कंटेनर से दूर हो जाती। इससे पहले वो नोवा के पास जाता है। छोटी नाव से तैरते तैरते अगली सुबह का शुरू होता है। ऐसे ही मिया ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती थी। तभी हम देखते हैं कि आका मछुआरा उस छोटी नाव को देख लेता है। वो लोग मिया और उसके बच्चों को बचा लेती है। जैसे ही मिया को होश आती है, सबसे पहले उसकी बच्चे का खबर लेती है। लेकिन वो देखती है आखिरकार वो आयरलैंड पहुंच जाती है, क्योंकि वो मछुआरे आयरलैंड के ही थे। ऐसे ही एक महीनों से लड़ते हुए खुद का जान बचा के उसका बेटी की भी जान बचा के आयरलैंड पहुंच जाती है। और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। और ये मूवी कैसी लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।